इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर अदमास शिक्षक हत्या मामला, दूसरे दिन भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। शिक्षक का शव रखा हुआ है एमबी हॉस्पिटल के मर्चुरी में। मॉर्चरी के बाहर मेघवाल समाज के लोग एकत्रित, पुलिस प्रशासन के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। मांगों को पूरा नहीं करने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की दी चेतावनी। मृतक के परिवार को आर्थिक मदद, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, परिवार को सुरक्षा की कर रहे मांग। मेरा नाम गीगराज है, गीगराज जोड़ली, आजाद विद्रोही। मैं परिचय इतना ही है, बहुजन समाज का बेटा हूँ। आज जो ये घटना है, इसमें दूसरा दिन है, आंदोलन चल रहा है। और राजस्थान में भाजपा सरकार में दलितों की जो हालात है उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। रोज यहाँ पर कई शंकरलाल मारे जा रहे हैं और उनके ऊपर सरकार आँख नहीं खोलती है। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, यह आंदोलन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। टस से मस नहीं होंगे जब तक सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। पुलिस एक एजेंसी है, पुलिस सिर्फ इतना कर सकती है, आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है, लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर सकती है। यह तो पुलिस की कार्रवाई है। आज तक 48 घंटे को हैं, लेकिन शर्म आ रही है इनको, अभी तक पुलिस थाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी जो मांग है, उचित मुआवजा दिया जाए। मैं तुलना करता हूं कन्हैयालाल जी के मामले के अंदर 50 लाख रुपए दिए थे, उनकी पीड़ा में भी हम साथ हैं, लेकिन हम मांग करते हैं, ये तो उनसे भी बहुत ज़्यादा गरीब समाज से और गरीब परिवार से था, 1 करोड़ रुपया कम से कम इनको आर्थिक मुआवजा राजस्थान सरकार को दिया जाना चाहिए। तत्काल प्रभाव से परिवार को लाइसेंस दिया जाना चाहिए हथियार का। भाजपा सरकार बुलडोजर के लिए बहुत फेमस है पूरे भारत के अंदर, उनको शर्म आनी चाहिए। और अब तक तो बुलडोजर आरोपी के घर के ऊपर चला देना चाहिए था। यह पूरे राजस्थान की मांग है। मांग ये भी है कि अनुकंपा के अलावा 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इन सारी मांगों के साथ में हम लोग टिके हुए हैं। जब तक सरकार का कोई जवाब नहीं आएगा, चाहे आज एक कान से सुन ले या 2 कान से सुन ले, हम ईमान और जमीर के बहुत पक्के आंदोलनकारी हैं। 15 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, बॉडी यहाँ से हटेगी नहीं। और पूरे राजस्थान में आग लगेगी, ऐसी आग कि इनको कुर्सियाँ खाली करनी पड़ेंगी। वार्ता कलेक्टर साहब कल आए थे, SP साहब कल आए थे, लेकिन कोई संतोष वाली बात इनमें हुई नहीं। सिर्फ एक आरोपी जिन्होंने खुद ने आत्महत्या करने का जिक्र पुलिस ने किया है, लेकिन हम बांध कर चलते हैं कि जो पुलिस की निगरानी में वो था तो अपने गले पर तलवार कैसे चला सकता है। इतनी क्रूर हत्या कर करके सिर को धड़ से अलग कर दिया शंकरलाल जी के, वो व्यक्ति अपनी खुद की हत्या कैसे कर सकता है। इतना क्रूर इंसान हो सकता है या आंदोलन का हिस्सा रहे ख़त्म करने का सरकार का, तो उन्होंने तो इसको ख़त्म करने के लिए हम प्लानिंग का हिस्सा भी मान सकते हैं। राजस्थान सरकार डरी हुई है और उस आरोपी को मारकर लोगों की संवेदना को कमज़ोर करने की कोशिश की है। हम किसी भी रूप से इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे और बहुत लंबा आंदोलन चलेगा जब तक सरकार इसके अंदर स्टैंड नहीं लेगी। थैंक यू। गुरु नानक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उदयपुर, महिला उच्च शिक्षा में अग्रणी, महाविद्यालय प्रवेश प्रारंभ। BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MSc, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MA, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, कला विज्ञान वाणिज्य प्रबंध एवं BEd संकाय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान। फोन नंबर 02942467231, 2462293, मोबाइल नंबर 9414164030, 9414164031।